धाम पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी, गर्भगृह में है मौजूद, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी है मौजूद। कल्कि धाम में पूजा कर रहे हैं पीएम मोदी, गर्भगृह में पीएम मोदी और सीएम योगी मौजूद हैं। यूपी के संभल दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी और इस वक्त कल्कि धाम में पूजा कर रहे हैं पीएम। यूपी के संभल दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी, गर्भगृह में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना करवाई जा रही है, प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। कल्कि धाम के गर्भगृह में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज संभल के दौरे पर आए हुए हैं प्रधानमंत्री, पूजा अर्चना कर रहे हैं कल्कि धाम में। साथ ही उनके पास बैठे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आचार्य प्रमोद कृष्णम भी उनके साथ वहां मौजूद। कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास पूजन का ये कार्यक्रम, सीएम पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल्कि धाम में पूजा कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के संभल दौरे पर आए हैं पीएम। कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास पूजन कार्यक्रम, कल्कि धाम में पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, साथ में ही मौजूद हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रमोद कृष्णम भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं, कांग्रेस से निष्कासित किए गए हैं। कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास पूजन, पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना करवाई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं, साथ में ही मौजूद हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कल्कि धाम का ये गर्भगृह जहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री, पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना करवाई जा रही है। कल्कि धाम के गर्भगृह में पूजा अर्चना चल रही है। साथ में ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास पूजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्कि धाम के गर्भगृह में पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ में ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। संभल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, पंडितों के द्वारा प्रधानमंत्री को पूजा अर्चना करवाई जा रही है। गर्भगृह में पीएम मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं, यूपी के संभल दौरे पर आए हुए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी
पास में बैठे हुए दिख रहे हैं। कल्कि धाम का शिलान्यास कार्यक्रम ये है। पास में ही बैठे हैं प्रमोद कृष्णम और पास में ही बैठे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना करवाई जा रही है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के पहले ही तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो लगातार सुरक्षा समेत अन्य चीजों में लगे हुए थे। शिलान्यास समारोह जो चल रहा है कल्कि धाम में, इसमें प्रधानमंत्री एक घंटे तक शामिल रहने की संभावना है। पीएम 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से सीधे यहां पर पहुंचे हैं और यहां से 11:30 बजे तक वह रवाना होंगे। श्री कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ही पिछले दिनों दिल्ली में जब गए थे तब प्रधानमंत्री को समारोह का न्योता दिया था और पीएम ने निमंत्रण स्वीकार किया था। इसके बाद आज वो कल्कि धाम शिलान्यास कार्यक्रम में यहां पर आए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना कर रहे हैं पीएम। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। पूजा अर्चना का ये दौर अभी चल रहा है, 1 घंटे तक लगभग यहाँ पर रुकने की संभावना प्रधानमंत्री की है। उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ही उनको न्योता दिया था और उस वक्त न्योता स्वीकार करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए। और सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन उत्तर प्रदेश में हुआ है, मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं, कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसी के साथ अब मैं अनुरोध करूंगा श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से, पूज्यपाद श्री अवधेशानंद गिरी जी से, पूज्यपाद श्री कैलाशानंद गिरी जी से और सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज से, कृपया माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अंग वस्त्र पहनाकर सम्मान करें। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए मित्रों, ये अभूतपूर्व दिन है, अविस्मरणीय दिन है जब संभल में माननीय प्रधानमंत्री पूज्य संतों के साथ यहां मंच पर हैं और उनका सम्मान हो रहा है। जिस देश में संत स्वयं सम्मान करें वहां के शासक का क्या ही अद्भुत दृश्य है मित्रों। तालियां बहुत कमजोर है, संभल इतना कमजोर तो नहीं है, संभल क्या इतना कमजोर है। और स्मृति चिन्ह श्री कल्कि धाम की प्रतिकृति भेंट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री को,
श्री कल्कि पीठाधीश्वर और अन्य सभी संत, पूज्य संत अवधेशानंद गिरि जी, कैलाशानंद जी, रितेश्वर जी महाराज, ऐसा होगा आपके जनपद में बनने वाला श्री कल्कि धाम। और आप सभी संतों से अनुरोध है, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान कर रहे हैं। इतिहास साक्षी है, संतों ने ही हिंदुत्व को सजोया है, अपनी अस्थियों का धागा बना शास्त्र ज्ञान को पिरोया है। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रबोध कृष्णम जी से कृपया स्वागत भाषण के लिए पधारे श्री कल्कि पीठाधीश्वर। परम सम्मानित, परम आदरणीय, परम सद्धे भारत के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस कल्कि धाम की पावन धरा पे मुझे स्वागत करने के लिए कहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द खो जाते हैं, वाणी थम जाती है। शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाय भावनाओं के, पुष्पों के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस मंच पे परम सद्धे स्वामी अवधेशानंद गिरि जी, परम सद्धे स्वामी कैलाशानंद जी, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सशक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज विराजमान हैं। मैं सबको उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के कोने कोने से आए तमाम संत वृंद, कोई हरिद्वार से पधारा है, कोई गुजरात से पधारा है, कोई तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से पधारा है, कोई आसाम से आया है, कोई देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आया है। ये हजारों संतों का जो समूह आज इकट्ठा हुआ है, ये सनातन धर्म के उस उद्घोष के सपने को साकार करने के लिए इकट्ठा हुआ है। वो सपना जो 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प के रूप में हमने देखा था, वो सपना जो ऋषि मुनि महात्माओं ने, त्यागी तपस्वियों ने आदिकाल से लेकर आज तक देखा कि पुराणों का उद्घोष है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, सज्जनता पर खतरा उमड़ता है, भगवान कृष्ण का गीता में उद्घोष है कि परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत अभिथारम अधर्मस्य तदात्मनम सृजामहम। भगवान कृष्ण का जो गीता में उद्घोष है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में उल्लेखित है कि जब धरती पर, धरा पर पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तो उस अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा। इसीलिए संस्कृत का श्लोक श्रीमद् भागवत में, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति,
इसका मतलब है कि भगवान त्रेता में राम के रूप में अयोध्या में आ